भारत ने बुधवार को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से और सैकड़ों छात्रों को निकाला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को पोलैंड से बाहर वायुसेना की एक उड़ान में से एक चार पैरों वाले दोस्त का स्वागत करते हुए देखा गया। उन्हें भारतीयों के साथ एक कुत्ता भी आता हुआ दिखा, जिसका उड़ान में स्वागत किया गया। जनरल वीके सिंह ने इस वाक्य का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। जनरल वीके सिंह उन केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं जो यूक्रेन से पड़ोसी देशों के माध्यम से भारतीयों की निवासी की देखरेख कर रहे हैं। वे बुधवार को पोलैंड के रेजो हवाई अड्डे पर C-17 ग्लोब मास्टर विमान के साथ मौजूद थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्हें फ्लाइट में भारतीय छात्रों का स्वागत करते हुए देखा गया। जैसे ही खार्किव में लड़ाई तेज हुई, भारत ने बुधवार को अपने नागरिकों को यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर से पास के तीन स्थानों पर छोड़ने के लिए कहा, जबकि रूस ने संघर्ष क्षेत्रों से भारतीयों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा बनाने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात में यूक्रेन संकट पर एक और उच्च स्तरीय बैठक की। उधर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे गए चार केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय वायुसेना और वाणिज्यिक विमानों के जरिए भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए। समाचार एजेंसी PTI के सूत्रों ने बताया कि पोलैंड से लगभग 800 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना के चार C-17 ग्लोब मास्टर विमान गुरुवार को हिंडन एयरबेस पर उतरेंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और देखना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।